हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैंने ये गुजिया बनाई है। किस तरीके से बनाई है बताऊंगी मैं। तो मैंने यहाँ 250 ग्राम मैदा लिया है और इसमें 1 चम्मच बड़ा घी डाला है। तो हम देखिए इस तरीके से बनाएंगे। आप हल्के हाथ से इसे मिस लें। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया बनती हैं। तो देखिए, हम धीरे धीरे से मिस लेंगे। पूरी तरीके से मिल जाएगा घी और हम थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके इसे गूंधेंगे। आटे को हमें टाइट डो रखना है, इसका ज़्यादा ढीला नहीं करना है। तो देखिए, इस तरीके से आप आटे को गूंदें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। कुछ भी बना लो, लेकिन गुजिया के बिना होली अधूरी सी लगती है। होली की स्पेशल गुजिया ही है। तो देखिए, मैंने ये गूंद लिया है आटा। हमें थोड़ा टाइट ही रखना है। तो देखिए, मैंने ये गूंद लिया और मैं इसे कपड़े से ढक के रख दूंगी करीब 20-25 मिनट के लिए। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया कढ़ाई में और इसमें कुछ काजू और मेवा है, तो मैं इसे फ्राई कर लूँगी हल्का सा। तो देखिए, हमारे काजू भुज रहे हैं। काजू और चिरौंजी यह है। तो ये ग्री का बुरादा है, इसे भी मैं थोड़ा सा भूज लूँगी। हल्का सा ही भूजूंगी। तो देखिए, ये भूज चुका है, तो इसे मैं निकाल लूंगी अब। और ये है सूजी करीब आधी कटोरी, तो इसे भी मैं भूज लूंगी। थोड़ा ब्राउन होने तक भूजें आप। इसमें देर लगती है भुजने में, सूजी बहुत टाइम लेती है भुजने में। तो देखिए, हमारी सूजी भुज चुकी है, मैं इसे भी निकाल लूँगी। मैंने यहाँ पर सूजी मोटी ली हुई है। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। आप बनाकर देखिए। और ये है खोआ जो मैंने घर बनाया था 1 किलो दूध से, तो इसे भी मैं गर्म कर लूँगी थोड़ा, इसलिए क्योंकि इसमें चीनी घुल सके।
तो इसमें मैं ग्री का पराठा डाल दूंगी। और इसमें सूजी भी डाल दूंगी। और ये आधी कटोरी चीनी है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, मैंने कम मीठा बनाया है। तो ये हैं कुछ ड्राई फ्रूट जो मैंने काट के डाल दिए हैं इसमें, और जो मैंने काजू और चिरौंजी भूजी थी उसे मैं बेलन से पीस के हल्का हल्का ददरा इसमें डाल दूंगी। तो देखिए हमारा एक अचार बन के तैयार हो गया। बहुत ही बढ़िया बना है। अब देखिए आटे की मैंने लोई बनाई है, यहाँ पर एक चम्मच मैदा घोल लिया है इसलिए कि चुपके ना, सॉरी चुपक जाए। देखिए इस तरीके से आप बना के इसे मैं कट कर दूंगी। देखिए मेरी गुजिया बन चुकी है, बना रही हूँ। तो देखिए मैंने बना ली है गुजिया सारी, देखिए 49 गुजिया बनी है, 250 ग्राम मैदा में। तो देखिए मैं यहाँ पे सेक लूँगी इन्हें, घी में सेक रही हूँ, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। ये दोनों तरफ सिकनी चाहिए अच्छी तरीके से, धीमी आंच पर। बहुत ही खस्ता और बढ़िया बनती है, इस तरीके से आप भी बनाइए और कम समय में बन गई। देखिए एक भी गुजिया नहीं फटी है। हमारी गुजिया सिक चुकी है, हम निकाल लेंगे अब इसे। देखिए मैंने निकाल ली है, कितनी बढ़िया बनी है। एकदम खस्ता, अभी दिखाऊंगी। देखिए देखिए कितनी बढ़िया बनी है। थैंक यू, बाय।